वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? मेरी गैंग में तुम लोगों का वेलकम है। लास्ट टाइम मैं ज़रा याद दिला दूँ भाई, हुआ क्या था। वैसे बहुत खास चीज़ें हुई थी लास्ट टाइम, बट सबसे ज़्यादा खास चीज़ हुई थी भाई पंगा। हमारा पंगा हो चुका है एक रेड माफिया नाम के एक बंदे से, जो कि काफ़ी ख़तरनाक बंदा है। अब ये पंगा कैसे हुआ ये अगर तुम लोगों को जानना है तो तुम लोग लास्ट वाला एपिसोड देख सकते हो। बाकी फिर भी मैं तुम्हें ज़रा हल्का सा याद दिला देता हूँ कि हुआ क्या था। सिंपली देखो भाई, पैसों की कमी हो रही थी, हमारी गैंग 6 मेंबर्स की हो चुकी है टोटल, और पैसों की कमी हो रही थी तो हमने सोचा था किसी बंदे को लूटते हैं सिंपली, और फिर उन पैसों से एक बेस खरीदेंगे, क्योंकि गैंग है हमारी, भले अभी गैंग की शुरुआत है लेकिन एक बेस होना तो बनता है। तो बेस के बारे में सोचा था और पैसे कलेक्ट कर रहे थे। लेस्टर से पता किया कि भाई किसके पास 500 करोड़ मिल जाएंगे। लेस्टर ने एक बंदे का एड्रेस बताया, सिंपली उस एड्रेस पे गए, उसके गार्ड्स को मारा, गुंडों को मारा, पीटा और सिंपली वहां से लेकर आ गए लगभग 500 करोड़। अब वो 500 करोड़ लेके तो आ गए, बट उसके बाद होने लग गया भाई तगड़ा सीन, क्योंकि जिस बंदे को मार पीट के छत से फेंक के आए थे वो निकला रेड माफिया का भाई। यस, अब ये रेड माफिया कौन है? ये रेड माफिया एक बहुत ही ज्यादा डेडली बंदा, जिससे लॉस सैंटोस की सारी गैंग्स वगैरह कांपती है भाई। बहुत खतरनाक बंदा है, उसने अकेले पूरा एक पुलिस स्टेशन उड़ा रखा है। लॉस गैंग को ऑलमोस्ट एक बार उसने पूरा खत्म कर दिया था, इतने बंदे टपकाए थे लॉस गैंग के। तो कुल मिला के वो बहुत ही ज्यादा डेडली बंदा है, और उसके भाई को हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा पीट दिया, इतना पीट दिया कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और होश में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा होश में आया हमारा नाम बता के वो फिर से बेहोश हो गया ऐसा सीन हुआ है। अब जिसकी वजह से गाइस देखो, अपने बेस पे तो चले गए थे हम लोग बेस को परचेज करके, बट सीन क्या हो गया, उस बेस पे हो गया अब हमला। यस, उस रेड माफिया के जो गुंडे थे उन्होंने कर दिया उस बेस पे अटैक, और सिंपली हमें वहां से फाइट बैक करना पड़ा, इसलिए वहां के गुंडे को टपकाया और वहां से भागना पड़ गया। ऑब्वियस सी बात है यार, भागना तो पड़ेगा, क्योंकि उसी जगह पर अगर हम लोग रुके रहते तो रेड माफिया भाई इतने बंदे भेजता कि एक टाइम पे भाई हमारी गोलियां खत्म हो जाती, हमारी एमोस खत्म हो जाती, और फिर उसके बंदों को पीटना नामुमकिन सा हो जाता ऑलमोस्ट। इसीलिए भाई वहां से हम लोग भाग गए और यहाँ पर आ चुके हैं। ये है एक विलेज लॉस सैंटोस से काफी दूर, ट्रेवर के घर के काफी पास। खैर अभी ट्रेवर के घर भी नहीं जाने वाले हम लोग। बाकी हाँ, तो ये है गाइस एक विलेज, इसके अलावा और कुछ सूझा ही नहीं भाई कि आखिरकार कहाँ जाए, तो हम लोग यहीं आ गए। बाकी अपने जो दोस्त हैं, अपने गैंग मेंबर्स हैं, वो सब पीछे हैं। और लास्ट टाइम एक और एपिक चीज़ हुई थी, मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भाई हमें अपनी गैंग का क्या नाम रखना चाहिए, और मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दिए थे, गैलेक्सी गैंग, फ्लाइट गैंग और क्या ऑप्शन दिया था भाई, फ्रैंकलिन गैंग, रेड गैंग, हाँ ऐसे सब मैंने ऑप्शन दिए थे, जिस पे सबसे ज्यादा वोट आया भाई गैलेक्सी गैंग पे। यस, वैसे नाम अच्छा है लेकिन कुछ अपनी पर्सनैलिटी से मैच करता नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है और हमारी गैंग बहुत छोटी है सीरियसली में। लॉस सैंटोस की सबसे छोटी गैंग हो तो वो हमारी गैंग है। यस, खैर गैलेक्सी गैंग तुम लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया, तो यस यही होने वाला है आज से हमारी गैंग का नाम। लॉस सैंटोस में लॉस गैंग, बेलास गैंग, इन सब के अलावा गैलेक्सी गैंग भी होगी। खैर ये विलेज है, यहाँ पर अपने लेमार ट्रेवर लगे पड़े हैं फोन यूज करने में। यहाँ पर ये जो नंबर 2 है, हाँ इसका नाम 2 है। यस सीरियसली, ये गाड़ी साफ करने में लगा पड़ा है। और ये है पिंक भाई और ये है पेंट भाई, ये सब नाम है भाई अपने गैंग मेंबर्स के। तो ये हैं 6 बंदों की गैंग। खैर अभी बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो देखो गाइस, हमारे पीछे रेड माफिया जो है हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, अगर उसका कुछ इंतजाम नहीं किया तो वो सीरियसली में हमारी गैंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। तो कुछ भी करके हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, या तो उसे टपकाना पड़ेगा, या तो उससे सॉरी बोलना पड़ेगा, या तो उससे पंगे लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करके मामला उसका सॉल्व करना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड मैं अपनी गैंग मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ। यस, खैर क्या ही मीटिंग, सारे यहीं तो है। ओए आ जाओ, ये मीटिंग करते हैं, सामने एक बोट हाउस है, आ जाओ उसी के अंदर मीटिंग करते हैं, देखते हैं गाइस अपने गैंग मेंबर्स का क्या कहना है इस वक्त। जो भी ये लोग बोलेंगे वही मैं करूँगा भाई, आ जाओ मेंबर्स। तो ये हमारे गैंग मेंबर्स भाई, कितनी छोटी गैंग है यार, इतने बड़े माफिया से पंगे ले रहे हैं। खैर मेंबर्स, सबसे पहली चीज़, तुम लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हो यार, लिटरली मैं गाइस कुछ भी कहूँ, हमारी गैंग भले ही छोटी है लेकिन हमारी गैंग के अंदर ऐसे बंदे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है। क्योंकि कोई नॉर्मल सिचुएशन होती भाई तो अभी सारे ये बंदे बात कर रहे होते कि भाई हमें नहीं रहना गैंग में, हम लोग गैंग छोड़ के जा रहे, बट नहीं, यहाँ पर कोई भी अपने कदम पीछे करने को तैयार नहीं है, चाहे वो पेंट भाई हो, पिंक भाई हो, नंबर 2 हो, लैम हो या ट्रेव हो,
यस, कोई भी इसमें अपने कदम पीछे करने को तैयार नहीं है, तो मैं भी कदम पीछे नहीं करूंगा। तो दोस्तों, कुछ प्लान है तुम लोगों के पास या फिर मुझे ही कुछ प्लान सोचना पड़ेगा? पिंक भाई, तेरे पास कोई प्लान है? बता क्या प्लान है भाई। ओके, तो गाइस, यहाँ पर जो पिंक भाई है अपना, उसके पास एक बहुत ही तगड़ा प्लान है, बट वो प्लान तुम लोग सोच के हंसने वाले हो भाई। यस, ऐसा कुछ प्लान है, लेट मी टेल यू। उसका प्लान है कि भाई हम लोग जाके सॉरी बोलते हैं। सीरियसली भाई, प्लान तो बहुत तगड़ा है, क्योंकि इसमें अगर मान लो उसने हमारा सॉरी एक्सेप्ट कर लिया तो सारी प्रॉब्लम अभी के अभी सॉल्व हो जाएगी। बट अगर सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया तो जो बंदा सॉरी बोलने जाएगा शायद वो दोबारा कभी जिंदगी में सॉरी बोलने के लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था प्लान सुनिए तुम लोग हंसने वाले हो। खैर भाई, यही है तेरा प्लान पिंक भाई? चल एक पल को मान भी लिया कि सॉरी बोलना चल ठीक है, लेकिन अगर क्या भाई, अगर सामने से उसने हमारा सॉरी एक्सेप्ट ही नहीं किया तो? है भाई, क्या बोलता है तू? सॉरी अगर उसने हमारा एक्सेप्ट ही नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। नंबर टू, तेरे पास एक और प्लान है? ठीक, अरे यार बंदे तो टैलेंटेड लग रहे हैं। बस सुन लो ट्रेव और लेमार भाई, तुम लोग भी थोड़ा सुन लो, अक्कल चलाओ इनकी तरह। हाँ भाई, नंबर टू क्या बता रहा था प्लान तू? ओके, नाइस 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 गाइस, बढ़िया बढ़िया प्लान है। देखो गाइस, अब इन लोगों ने मुझे प्लान बता दिया है, मुझे प्लान बढ़िया लगा। हम छह बंदों की भाई बात भी हो गई है और हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या प्लानिंग की है। तो देखो भाई, प्लान सिंपल सा है, मैं अपना पूरा का पूरा हुलिया बदलूंगा। यस, पूरा ऐसा हुलिया बदल लूंगा भाई कि मेरे को वो पहचान ही ना पाए, ठीक है? और देन हुलिया बदल के जिस हॉस्पिटल में उसका भाई एडमिटेड है, वहीं पर ऑब्वियसली वो रेड माफिया भी होगा, उससे मिलने के लिए जाऊंगा मैं हुलिया बदल के। ऑब्वियसली वो पहचान नहीं पाएगा, तो मैं उससे जाके मिल के कहूँगा कि भाई उस गैलेक्सी गैंग की बात सुन के आया हूँ और वो लोग माफ़ी मांगने की प्लान कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें माफ़ करोगे? तो हमें इससे पता चल जाएगा कि उसका माफ़ी का प्लान है या फिर नहीं है। अगर वो बंदा भड़क गया, इसका मतलब कुछ भी कर लो हमें वो माफ़ नहीं करने वाला। और अगर बंदा सोच में पड़ गया कि हाँ ठीक है चलो, अगर माफ़ी मांगने आएंगे तो माफ़ कर दूंगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेंगे फिर हम छः के छः बंदे सॉरी बोल के आ जाएंगे सिंपली। अब करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारी गैंग इतनी बड़ी है नहीं इस वक्त, तो अभी शुरुआत में पंगे लेना ज़्यादा अच्छी चीज़ है नहीं, सॉरी बोलने में दिक्कत क्या है? तो इसीलिए यही प्लान है भाई, सिंपल सा। मैं हुलिया बदल के जाऊँगा, उससे कहूँगा कि भाई मैंने उनकी बातें सुनी हैं और वो लोग सॉरी बोलने का प्लान कर रहे हैं, अब बता भाई तू सॉरी उनका एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। सिंपली इससे हमें पता चल जाएगा कि वो सॉरी हमारा एक्सेप्ट करने के मूड में है या फिर नहीं। चलो ठीक है भाइयों, मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना, अगर यहाँ पर हमला वमला हो तो संभाल लेना, वेपन्स वगैरह वो बड़े वाले घर में है, मैंने भी वेपन्स ले लिए हैं, चलता हूँ मैं, ठीक है भाइयों। चलो गाइस, फिलहाल इस वाले घर के अंदर बहुत सारे वेपन्स हम लोगों ने रख दिए हैं यार, बहुत सारे क्या, दो चार राइफल्स वगैरह हैं, दो चार ग्रेनेड्स हैं, इतना ही आइटम है हमारे पास। हाँ, और बाकी 500 करोड़ जो है वो भी इसी घर के अंदर ही है, ये घर रेंट पे लिया है एक बंदे से, गांव वाले बंदे से ही। खैर अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, गाइस अपनी जी वैगन लेके जाना बढ़िया नहीं रहेगा यार, क्या पता उस रेड माफिया ने मेरी जी वैगन पहचान ली, इसलिए अभी जी वैगन रहने दो, रास्ते से कोई गाड़ी उठा लेंगे। रास्ते से गाड़ी उठा के सबसे पहले चलेंगे भाई किसी वार्डरोब शॉप पे, और वहाँ पे जाके भाई अपने कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, एंड देन हुलिया वगैरह चेंज करेंगे और फिर चलेंगे उस रेड माफिया को कन्फ्रंट करने के लिए। बाकी यहाँ गांव वालों की गाड़ी चुराना सही नहीं रहेगा यार, क्या पता गाँव वालों ने मिल के हमें भगा दिया, इसलिए गाँव वालों को लूटना रहने देते हैं, रास्ते से कोई गाड़ी उठाते हैं। पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है, क्या पंगे हुए हैं इधर पता नहीं। ओ ओ ओ, पुलिस का लफड़ा है, पुलिस के भी इधर अजीबो गरीब लफड़े चलते रहते हैं। खैर चलो भाई फास्ट, कोई गाड़ी चाहिए यार, गाड़ी का जुगाड़ी नहीं हुआ यार अभी तक, गाड़ियाँ दिख तो रही है बट ये देखो अब ये वाली गाड़ी चुराई, क्या है अजीबो गरीब सी, ये भी टूटी फूटी है यार, हमारा आ रही है एक सामने से, या फिर ये वाली गाड़ी सही है। थैंक यू आंटी जी फॉर योर कार, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई बढ़िया गाड़ी मिल गई, चलते हैं कपड़ों की दुकान पे, हुलिया वगैरह चेंज कराते हैं, एंड देन होगी उससे फाइट, नहीं फाइट नहीं, उससे मैं कहूँगा कि भाई मैंने उस गैंग को सुना है सॉरी के बारे में बात करते हुए, क्या तुम उनका सॉरी एक्सेप्ट करोगे? बस यही पता करना है, हमें जानना है यार उसके मन को कि क्या वो बंदा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है या बहुत ज़्यादा गुस्से में है या फिर भी सॉरी हमारा एक्सेप्ट कर लेगा, यही चेकआउट करना है। खैर अभी पहले हुलिया बदलते हैं, चलो ओके पहुंचने वाला हूँ भाई मैं। खैर अभी तो सबसे पहले हुलिया बदलना पड़ेगा, वैसे इधर एक शॉप है,
इधर से ही कपड़े चेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद निकल लेंगे। टैटू शॉप है क्या? लग तो रहा है भाई, देखते हैं, टैटू भी बनवा लेंगे नकली वाले। ओके, तो यहाँ से भाई विग वगैरह का भी जुगाड़ हो गया, और कपड़े मैंने कुछ खास नहीं पहने हैं, अलग से यही पहन लिए। ठीक है आई गेस, अभी यहाँ एक टैटू शॉप है, ज़रा यहाँ पे टैटू बनवाते हैं नकली वाले, टेम्प्ररी, परमानेंट नहीं भाई। ओके, तो ये है भाई कुछ टैटूज़, टेम्प्ररी वाले, काफ़ी अजीब से लग रहे हैं, बट हाँ मेरे को थोड़ा लुक अलग करना था ताकि मेरे को कोई पहचान ना पाए, और वो आई गेस मैंने काफ़ी हद तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया है। अभी मैं चल सकता हूँ, यस, कोई नहीं पहचानने वाला भाई इस हुलिये में, अजीब सा ही लग रहा हूँ मैं इस वक्त। अभी सबसे बढ़िया टाइम है हॉस्पिटल निकलने का और उस रेड माफिया से बात करने का कि आखिरकार वो कितने ज़्यादा गुस्से में है, क्या सॉरी का कोई स्कोप है या फिर नहीं। चलो भाई, कौन से हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो? इसमें नहीं, ये तो सस्ता वाला हॉस्पिटल है, महंगे वाले में होगा ना भाई, रेड माफिया का जो भाई है वो। कि हाँ यहाँ, यहाँ, ओ भाई साहब, वेट, इतनी सारी गाड़ियाँ, रेंज रोवर है भाई यहाँ पर टोटल 5 और एक पोर्शे। ओके, अभी तो पता नहीं और गाड़ियाँ कहाँ कहाँ होंगी पार्किंग वगैरह में, ये तो हॉस्पिटल के जस्ट सामने लगा दिए भाई उसने, कोई खौफ ही नहीं है यार उस बंदे के अंदर। खैर सर, आप लोग के सिक्योरिटी गार्ड हो? मुझे ज़रा रेड माफिया सर से मिलना है, वो जो गैंग नहीं है जो उनके भाई को मारपीट के गई है उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बारे में बताना है। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? थैंक यू सर, लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, अंदर आ चुके हैं। ओ तेरी इतनी सारी सिक्योरिटी, कितने बंदे हैं यार इसके सिक्योरिटी में, कहाँ है बट डॉक्टर कहाँ है? पूरे हॉस्पिटल पे ही कब्जा सा कर लिया है यार इसने तो। हेलो भाई, रेड माफिया का, अच्छा यही है। हेलो सर, ओ भाई साहब, बॉडी वॉडी देखो, बंदा तो खतरनाक लग रहा है, और एक सेकेंड, ये रेड माफिया तो क्या रेडी कपड़े पहनता है? खैर, हेलो सर, आपके भाई की तबीयत कैसी है इस वक्त? अभी भी होश नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से पीट दिया लगता है उसे। खैर वो सर, मैं ये कह रहा था कि आपके भाई को जिस गैंग ने पीटा है सर, मुझे उस गैंग के बारे में पता चल गया है। नहीं, ये नहीं पता चल गया है वो गैंग का है, मुझे ये पता चल गया कि वो गैंग वाले प्लानिंग क्या कर रहे हैं। सर वो गैंग वाले प्लानिंग कर रहे हैं आपसे सॉरी बोलने की, तो क्या आप उन्हें माफ़ करोगे? नहीं, मना कर रहा है यार ये बंदा तो। ओके सर, ओके समझ गया सर, वो लोग कब से प्लानिंग कर रहे हैं माफ़ी की, वो लोग कह रहे हैं कि आपके लिए काम करना चाहते हैं वो लोग, तो अब भी आप उसे माफ़ नहीं करोगे उस गैंग को? ये बंदा तो फुल गुस्से में है यार, ये तो कह रहा है कुछ भी हो जाए माफ़ नहीं करेगा, उनको टपका के ही रहेगा। इसने सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लिया गाइस, जैसे पता चल गया कि उस गैंग का नाम गैलेक्सी गैंग है, ऊपर से उस गैंग में कितने बंदे हैं ये भी पता चल गया है। वॉट, उस गैंग में बंदों का नाम क्या क्या है ये भी पता चल गया है? फ्रैंक, ट्रेव, लैम, पिंक पैंट और नंबर 2, सब कुछ पता चल चुका है इसे। सर मैंने उन गैंग वालों को नॉर्थ यंगटन भागते हुए देखा है। नॉर्थ यंगटन आपने पूरा छान मारा, उधर नहीं मिले वो लोग? वॉट यार, ये तो जल्दी हमारे तक पहुंच सकता है। ठीक है सर, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आया था और ज़रा आपके भाई का हालचाल पूछने आया था। एक्चुअली मैं आपका भाई, मेरा थोड़ा पुराना वाला दोस्त है तो इसलिए मिलने आ गया था। कैसी है तबीयत आपके भाई की? अच्छा हाँ, आपने बताया तो सही, होश नहीं आया। ओके सर, थैंक यू, मैं चलता हूँ, माफ़ी के मूड में नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है। चलो भाई, बस यही तो करना था यार, आके बस पूछना था मुझे कि क्या अगर हम लोग सॉरी बोलेंगे तो ये बंदा मानेगा या फिर नहीं। एंड यस, पता चल गया ये बंदा बिल्कुल नहीं मानेगा, सब कुछ पता चल गया भाई, ये बंदा किसी भी कीमत पे नहीं मानने वाला है। अब इतना तो पता चल गया कि सॉरी बोलने नहीं आना है। अब देखो, मान लो अगर मैं ऐसे चेक करने नहीं आता, उसके मूड के बारे में जानने नहीं आता, और डायरेक्टली हम लोग 6 के 6 बंदे आ जाते इससे सॉरी बोलने के लिए, सबकी खोपड़ी उड़ा देता। बट अब मैंने भाई ये तगड़ा दिमाग लगाया, मतलब अपने गैंग वालों ने ये तगड़ा दिमाग लगाया, जिससे अब अपने को पता चल गया कि यस, माफ़ी नहीं मांगना है, अब पंगे लेने हैं भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है सीरियसली हमारे पास। फिलहाल लेस्टर अभी घर पे है, उससे जाके क्या ही हेल्प लूँ लेस्टर से, छोड़ो। अभी सबसे पहले तो वापस से नॉर्मल हुलिये में आ जाते हैं यार, दाढ़ी वाड़ी मूछ वूछ निकालते हैं और चल के जल्दी से इधर के स्टोर से, नहीं वापस जिस स्टोर से मैंने ये कपड़े लिए थे उसी स्टोर से दूसरे कपड़े खरीदते हैं। यस, चलो भाई, चलो चलो चलो, इधर अगर मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगा और मान लो उस रेड माफिया का कोई बंदा इधर मिल गया, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए लॉस सैंटोस से कहीं दूर जाके किसी दूर कपड़े की दुकान पे चेंज करेंगे।
तो अभी पहुंचने वाला हूं मैं इधर के कपड़े की दुकान पे, उसी कपड़े की दुकान पे भाई जिससे अभी थोड़ी देर पहले पहन के गया था मैं। उसके दाढ़ी मूछ भी तो वापस करनी है नकली वाली। टैटू अभी तक हटा नहीं, पता नहीं कैसा टैटू था भाई। खैर चलो भाई, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, विग वगैरह हटा दिया, दाढ़ी मूछ हटा दी है, एंड आई एम बैक इन फॉर्म। टैटू अभी तक पता नहीं क्यों नहीं हटा। खैर वैसे टैटू मैं तुम्हें ज़रा दिखाता हूँ, ये देखो भाई एक ड्रैगन का टैटू है और ये पता नहीं फायरी स्केलेटन का टैटू है। खैर चलते हैं क्विकली बाहर। ओ वेट, ओ जस्ट वेट भाई, ये तो उसी के गैंग के बंदे हैं। यस उस रेड माफिया की सिक्योरिटी वाले हैं ये, देख सकते हो यार एग्जैक्टली वैसी ही ड्रेस है बिल्कुल जैसे ड्रेस हॉस्पिटल के बाहर वाले बंदों की थी। ओ नो, इन लोगों को कहीं शक तो नहीं हो गया मुझ पर? पता नहीं, लेकिन अब तो मैं उस हुलिये में भी नहीं हूँ, अब तो शायद ये लोग पहचान लेंगे। आई गेस गाइस मुझे यहाँ से इनके जाने का इंतज़ार करना चाहिए, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, वरना अभी देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे यार कहाँ फंस जाता हूँ मैं भी। ओके इस स्टोर में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या सर जी? नहीं है। अबे यार देखते हैं यार खुद ही, स्टोर में मुझे और कोई दूसरा रास्ता तो नहीं नज़र आ रहा है। ये दरवाज़ा पीछे की तरफ का था, कहाँ निकल गया ये मैं? खैर जहाँ भी निकल गया पिछली गली में आ गया डायरेक्ट। सही है, बढ़िया, यहाँ से ये बाइक दिख रही है। चलो ओ बढ़िया यार, हेलमेट पहन लिया, अब चलो भाई। बच गए, बच गए भाई, बच गए, वरना तो अभी निकल लेते। वो बंदे इधर ही थे यार, अगर उन लोगों ने देख लिया होता तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हाँ यार उसने बताया नहीं कि नॉर्थ यंगटन उसने पूरा छान मारा है, इसका मतलब अब वो लॉस सैंटोस भी पूरा छान रहा है भाई। आखिरकार कहाँ छुप गए हैं वो 6 गैलेक्सी गैंग के बंदे? उसे तो हमारी गैंग का नाम भी पता चल गया। सीरियसली यार अब क्या करें, हम लोग कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। हमारी गैंग 6 बंदों की गैंग है, इतने बड़े माफिया से पंगे हो गए हैं। उस बंदे ने कसम खाई है कि हमें टपका के ही मानेगा, हेल्प किसी से मांग नहीं सकते। क्या करें भाई, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, तगड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हमारी गैंग सरवाइव कर पाएगी, वरना तो गैंग फॉर्म होने से पहले ही डिफॉर्म हो जाएगी। खैर अभी निकल लेते हैं उस विलेज की तरफ और चलो भाई, चलो अपनी गैंग की तरफ पहुंचने वाला हूं मैं। बस जल्दी आराम से लेट्स गो, सीधा सा है रास्ता, इधर से राइट, इधर से लेफ्ट, और कितना जाना है आगे? वो भी नहीं है, हाँ वही तो है अपना अड्डा। अड्डा किस बात का, इतनी मुश्किल से तो अड्डा खरीदा था भाई, उसी वक्त पंगे हो गए। एक तो सबसे बड़ी गलती है लेस्टर की है, उसको थोड़ी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी कि भाई जिस बंदे के बारे में वो बता रहा है कि हाँ यहाँ पर आराम से 500 करोड़ तुम्हें मिल जाएंगे, वो बंदा है कौन? अगर हमें पता रहता कि भाई वो किसी खतरनाक माफिया का भाई भाई है, हम लोग नहीं लेते पंगे उससे। लेस्टर ने फंसा दिया भाई, और खुद अब मजे से आराम से चैन से घर पे पड़ा हुआ है। खैर आ गए भाई, छुप ते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। हेलो भाइयों, आई एम बैक भाइयों, आ गया बातचीत करके उस रेड माफिया से, कुछ बात नहीं बनी। टैटू, अबे तुम लोगों ने टैटू करवा रखा है इसने, ये नंबर 2 ने, लेमार ने, देखो क्या खतरनाक गर्दन पे टैटू, हाथ पे टैटू। मैंने सोचा मैं भी करवा लेता हूँ इसीलिए। खैर वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, सॉरी की बात नहीं बनेगी भाई। मैंने उससे बहुत कोशिश की कि भाई गैलेक्सी गैंग वाले सॉरी बोलना चाहते हैं, वो गुस्से में आ जाता था बार बार गैलेक्सी गैंग का नाम सुन के ही। हाँ भाई उसे हमारी गैंग का नाम भी पता चल चुका है। अब ये बताओ अब क्या करना है आगे? अब तो बस एक ही चीज़ है, फाइट, फाइट, यस जस्ट फाइट, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। तो हमें या तो खुद टपकना पड़ेगा या तो उस रेड माफिया को टपकाना पड़ेगा। तो क्या तुम लोग रेड माफिया के अगेंस्ट इस बड़ी वॉर में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या तुम लोग तैयार हो? ओके गाइज, ऐसे ही मेंबर्स की जरूरत है। सारे बंदे यस बोल रहे हैं भाई, सारे बंदे हैं तैयार अपने इस लीडर का साथ देने के लिए। ठीक है, सॉरी पिंक भाई। तो ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें चाहिए वेपन्स, क्योंकि हमारे पास वेपन्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो सबसे पहले वेपन्स का जुगाड़ करते हैं, किसी डीलर वीलर से बात करते हैं, वेपन्स का जुगाड़ हो जाएगा। ट्रेवर यार तेरे बहुत ज्यादा जान पहचान है, तेरी जान पहचान से हम लोग पता लगाते हैं। बाकी तुम चार बंदे मिलके जुगाड़ करो भाई किसी प्रैक्टिस अरीना का, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर सके वेपन्स को यूज़ करने का। ठीक है, बाकी अपने पास जो पैसे बचे हुए हैं, 500 करोड़ में काफ़ी पैसे तो खर्च हो गए यार, वो लेने में वो क्या था बेस जो ले रहे थे। खैर मैं और ड्राइवर जा रहे हैं वेपन्स का जुगाड़ करने के लिए, तुम चारों बंदे लग जाओ भाई प्रैक्टिस वाली जगह ढूंढने में। ठीक है ट्रेवर ब्रदर, लेट्स गो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी प्रैक्टिस अरीना का जुगाड़ करो। आजा ब्रदर, ट्रेवर भाई आजा, एक काम कर ट्रेवर, पैसे लेके आ अंदर से, लगभग लगभग 50 करोड़ लेके आ, उतने के वेपन्स तो हमें चाहिए ही एटलीस्ट।
बाकी बाद में देखेंगे। वेपन्स लेके आ अंदर से, जल्दी जल्दी लेके आ, वेपन्स नहीं पैसे, पैसे लेके आ फटाफट, पैसे लेके जी वैगन में रख दे। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नॉर्थ यैंगटन, क्योंकि वहीं पर सबसे बेस्ट वेपन्स मिलेंगे। अबे ले क्या यार पैसे, तू भी हद कर रहा है, मैं ही लेकर आता हूँ। ओके तो चलो भाई पैसे रख दिए जी वैगन में, ड्राइवर फटाफट बैठ। अभी निकल रहे हैं गाइस यहाँ से एयरपोर्ट, और वहाँ से भाई एक रेंट पे हेलीकॉप्टर लेंगे, हेलीकॉप्टर लेके निकल लेंगे नॉर्थ यैंगटन की तरफ, क्योंकि नॉर्थ यैंगटन हमारे लिए सेफ है। क्योंकि देखो वेपन्स का जुगाड़ करने को तो हम लोग लॉस सैंटोस में भी कर सकते हैं, बट लॉस सैंटोस में तो तुम्हें पता ही है उसके सारे गुंडे उस रेड माफिया के हमें ही ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए इधर उधर भटकना अभी ठीक नहीं है लॉस सैंटोस में। इसीलिए सिंपल रास्ता है यहाँ से नॉर्थ यैंगटन रोड लो, क्योंकि नॉर्थ यैंगटन उसने पूरा छान मारा है, उधर उसके बंदे होंगे नहीं। तो नॉर्थ यैंगटन हम लोग जाके ड्राइवर की जान पहचान का कोई बंदा है उससे वेपन्स की डील करेंगे, वो वेपन्स हेलीकॉप्टर के थ्रू ले आएंगे, फिर अपनी जी वैगन में रख के यहाँ तक लेके आ जाएंगे। दैट्स द प्लान। ठीक है ड्राइवर भाई आ जाओ, आ जाओ भाई चलो एयरपोर्ट की तरफ फास्ट। वेलकम बैक, यस एयरपोर्ट है ये। लकीली एयरपोर्ट तक पहुँचने में हमें कहीं भी उसके बंदे नहीं मिले। ओके चलो भाई चलो, आ गए भाई आ गए। हेलीकॉप्टर रेंट पे बड़ा सा हेलीकॉप्टर ले या कोई छोटा सा हेलीकॉप्टर ले, या कोई प्लेन ले ले यार, आई गेस प्लेन ठीक रहेगा, लेकिन वही है लैंडिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ फिर हेलीकॉप्टर पे यार वेपन्स की क्रेट्स कैसे आ पाएंगी, मुश्किल है यार वेपन की क्रेट ला पाना। एक कार्गो प्लेन ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं हाँ, और एक बढ़िया सी गाड़ी भी परचेज कर लेंगे। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। ड्राइवर भाई आ जा, कार्गो प्लेन के आने का वेट करते हैं किसी, उसे रेंट पे लेके निकल लेंगे और एक गाड़ी भी परचेस कर लाएंगे भाई नॉर्थ यैंगटन से, बढ़िया सी जिसपे वेपन की क्रेट्स हम लोग ईजिली ले जा सकें। कार्गो प्लेन का वेट है बस, कार्गो प्लेन आ चुका है, रेंट पे इसे बुक कर दिया है। काफ़ी महंगा होता है यार कार्गो प्लेन तो। यार ड्राइवर तो बड़ा स्लो है यार, तेरी यही कछुए वाली चाल किसी दिन मरवाएगी भाई रेड माफिया के हाथों। नहीं सच बता रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से तू स्लो दौड़ता है इसी वजह से किसी दिन रेड माफिया टपकाएगा। और तू उधर कहाँ दौड़ के जा रहा है भाई, इधर आ जल्दी आ यार, कितना स्लो है बिल्कुल ही। आ जा बैठ बैठ फटाफट बैठ, मैं तो बैठ गया तू भी आगे बैठ जा साइड में, जल्दी बैठ ड्राइवर मेरे भाई। एक ड्राइवर का बच्चा भी पीछे कार्गो में जाके बैठ गया वो सामान रखने वाली जगह में। खैर टेक ऑफ टाइम, ले के इसे निकलते हैं गाइस नॉर्थ यैंगटन की तरफ फटाफट जितनी जल्दी हो सके। वह कैसे उड़ा रहा हूँ यार प्लेन में, ओ भाई आराम से मिल रहा हूँ गाइस मैं तुम लोगों से डायरेक्टली नॉर्थ यैंगटन पहुँचने के बाद। वेलकम टू द नॉर्थ यैंगटन एवरीवन, वेयर शुड आई लैंड दिस कार्गो प्लेन। आराम से इसे नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा हूँ मैं, और एकदम ईजिली आराम से प्यारी से लैंडिंग करनी है। थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं बस, नाइस डिसेंड, नाइस, थोड़ा सा नीचे, ओके थोड़ा सा और नीचे, धीरे धीरे बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, नाइस। अबे ये अचानक से कैसे रुक गया, पता नहीं इसके शायद विंग्स अटक गए कहीं तो। खैर प्लेन सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। ट्रेवर ब्रदर, अबे ट्रेवर कहाँ गया ये, अबे आ जाओ ए ट्रेवर, ट्रेवर आ जाओ भाई, वेपन्स का जुगाड़ करते हैं चल के, और एक गाड़ी भी ले लेंगे बढ़िया सी कोई बुलेट प्रूफ, जिसपे वेपन के क्रेट्स आराम से रख के ले जाया जा सके। वैसे इतने बड़े कार्गो प्लेन को लाने की ज़रूरत नहीं थी, इतने भी ज़्यादा क्रेट्स नहीं होने वाला है, बट कोई बात नहीं है आ जाओ भाई ड्राइवर। थैंक यू बडी, थैंक यू फॉर द वेपन्स, तेरी ये हेल्प हमेशा याद रहेगी। बाकी ये देखो गाइस ये है एक नई गाड़ी जो हम लोगों ने परचेज़ की है, 6x6 जी वैगन है ये, और हेल्पफुल रहेगी ये गाड़ी। इसके अंदर 6 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, हमारी पूरी गैंग एक साथ बैठ सकते हैं, वरना पिछली वाली जी वैगन में मोस्टली 4 ही बंदे बैठ पा रहे थे। थैंक यू बड़ी, चलते हैं हम लोग। पैट ड्राइवर कहाँ बैठ रहा है, पीछे ही बैठ गया यार, अबे वेपन्स की क्रेट में के अंदर ही घुस के बैठ गया क्या। खैर इसको अभी लेके चलते हैं अपने कार्गो प्लेन की तरफ, बहुत बढ़िया गाड़ी है यार 6x6 जी वैगन है, इसमें देखो 6 बंदे आराम से टोटल हम लोग बैठ जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड साथ ही साथ ये गाड़ी थोड़ी सी बुलेट प्रूफ भी है, पूरी बुलेट प्रूफ नहीं मिली मुझे, थोड़ी सी बुलेट प्रूफ है, एक आध गोलियां झेल पाएगा इसका शीशा, ज़्यादा नहीं। खैर कार्गो प्लेन अपना उधर है, जल्द से जल्द उधर की तरफ निकल लेना चाहिए रे, वो रहा कार्गो प्लेन, लेट्स गो। अब बस इन वेपन को लेकर निकलते हैं। देखो गाइस इन वेपन्स में मोस्टली असॉल्ट राइफल्स हैं एंड साथ ही साथ स्नाइपर राइफल्स हैं, बाकी ग्रेनेड्स वगैरह भी हैं, वो भी हेल्पफुल रहेंगे। आ गए इधर आराम से। बैट ड्राइवर गिर गया क्या, मुझे लगा ही ये ड्राइवर का बच्चा गिर गया। बाक कैसे गिर गया, ओए शांति से कह रहा हूँ कि भाई आगे बैठ जाए, लेकिन नहीं वेपन्स की क्रेट के पास बैठना था,
जैसे ही बम्प आया गिर गया ये नीचे। खैर इतना बड़ा कार्गो प्लेन लेके आ गए भाई इतनी सी क्रेट्स के लिए, कोई बात नहीं इन सबको रखते हैं कार्गो प्लेन में और मिलते हैं गाइस डायरेक्टली लॉस सेंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहुंचने के बाद आज अभी ड्राइवर रखवाए इन्हें कार्गो प्लेन के अंदर। चलो प्यारा सा टेक ऑफ, सारा सामान लोड करने के बाद अब मिलता हूँ मैं तुम लोगों से गाइस डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। बढ़िया तरीके से अपना कार्गो प्लेन टेक ऑफ कर चुका है, चलो आ गए भाई कार्गो प्लेन लेके आ गए फाइनली लॉस सेंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी प्यारी सी लैंडिंग हो रही है आराम से बस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लैंडिंग। बस रोक दो भाई, ठीक है ये रही भाई अपनी गाड़ी वेपन्स वाली। ड्राइवर भाई सामने से हट जा यार, लगभग जाएगी हट जा। ओके अपनी जी वैगन अब कौन लेके आएगा। एक काम करता हूँ भाई मैं ये गाड़ी लेके जाता हूँ, ड्राइवर भाई तू जी वैगन लेके पहुँच। रेंट मैंने पे कर दिया है कार्गो प्लेन का, तुझे कुछ भी नहीं करना है बस जी वैगन लेके पहुँचना है घर पे, ठीक है। घर पे नहीं यार, घर कहाँ है अभी भाई, वो विलेज पे आ जा फटाफट और संभाल के आइयो भाई, शायद उसके गुंडे वगैरह घूम रहे होंगे इधर ही, इसलिए बच के आइयो। निकलते हैं भाई जल्दी, लेट्स गो फास्ट। वेलकम बैक एवरीवन, पहुंचने वाला हूं मैं विलेज की तरफ। ड्राइवर कहीं दिख नहीं रहा है, आ ही रहा होगा। खैर ड्राइवर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बंदा है भाई, उसकी टेंशन नहीं ले सकते तुम लोग। अगर मान लो उसका सामना भी हो गया ना उसके गुंडों से, वो अकेला ही पीट पाट देगा, इतना खतरनाक बंदा है वो। लेकिन उसके पास वेपन्स कहाँ हैं भाई, बिना वेपन्स के वो नहीं कर पाएगा कुछ। खैर अभी विलेज की तरफ चलते हैं, आ ही रहा होगा वो भी, लेट्स गो। और अभी शायद अपने गैंग मेंबर्स ने भाई जुगाड़ कर लिया होगा एक प्रैक्टिस अरीना का, जहाँ पर हम लोग वेपन से करेंगे भाई प्रैक्टिस और तब होगी हमारी फाइट, तब हम लोग सामना करेंगे सीधा सीधा उस विलन से, उस रेड माफिया से। वैसे काफ़ी हट्टा कट्टा है, जिस हिसाब से उसके पास गाड़ियाँ थी, जिस हिसाब से गुंडे नज़र आ रहे थे, डेफिनेटली अमीर बंदा है, होगा ही अमीर यार इतना बड़ा माफिया जो है। बट डरते नहीं हम लोग, पंगे ईजिली ले सकते हैं। वैसे ये क्या चीज़ है बांध इतना छोटा सा, यार वो कहाँ गया विलेज अपना, अभी तक नहीं पहुंचा यार मैं, बहुत दूर लग रहा है ऐसे रात को, तो दिन में तो ऐसा लगता है अरे वो तो रहा है, ऐसे रात को तो पता ही नहीं चल रहा विलेज कहाँ है। होपफुली सब कुछ ठीक हो यार, क्योंकि जिस हिसाब से उसके बंदे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, बताओ वहाँ जहाँ मैं कपड़े चेंज करने गया था वहाँ पर भी वो बंदे मिल गए सामने उसके सिक्योरिटी गार्ड्स, तो इसीलिए बहुत संभल के रहना पड़ेगा अपने को और अगर अपनी जान बचाए रखनी है तो। वैसे इस जगह का नाम है मिलर्स फिशरी, तो यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। चलो ड्राइवर आ गया क्या, नहीं आया तो नहीं है। खैर इन वेपन क्रेट्स को भाई घर के अंदर रखवा देता हूँ। ओए आ जाओ, ओए दोस्तों आ जाओ जहाँ भी हो तुम लोग, थैंक यू दोस्तों हेल्प के लिए। ड्राइवर आ रहा है यार, वो जी वैगन लेके आ रहा है और ये एक नई गाड़ी परचेस की हम लोगों ने, ये भी जी वैगन ही है लेकिन एक्सटेंडेड वर्जन है, 6x6 है ये, आया नहीं अभी तक ये। ड्राइवर इज़ बैक, यस गाइज ये देखो आ गया ड्राइवर। खैर ये देखो गाइज ये हमारी पिछली वाली जी वैगन थी, हमारी ये 6 बंदों की गैंग है, टोटल इसमें 4 बंदे बैठ पा रहे थे, ठीक है। 2 बंदों को भाई एडजस्ट करना पड़ रहा था पीछे लटक के ऊपर छत पे बैठ के, बट इस वाली गाड़ी में टोटल 6 बंदे बैठ पाएंगे, वो कैसे जस्ट चेक आउट। ड्राइवर तो पीछे वाली सीट लेने वाला है, जबकि उसका मुंह टूट गया वहाँ से गिर के, फिर भी वो पीछे वाली सीट पे ही बैठा है और ये 2 बंदे बैठ जाएंगे, एक आगे और एक पीछे। तो इस तरीके से देखो भाई 2 आगे 2 बीच में और 2 पीछे, और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी गैंग बैठ पा रही है इस इकलौती एक गाड़ी पे। तो इसीलिए मैंने गाड़ी परचेस की, क्योंकि कहीं भी जाना पड़ रहा है तो भाई गैंग को अलग अलग जाना पड़ रहा है या फिर एडजस्ट करके जाना पड़ रहा है, बट अभी लग रही है अपनी एकदम तगड़ी सी पावरफुल सी गैंग। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि ड्राइवर को थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा गाड़ी को, वरना बंदे बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे जस्ट लाइक दिस, जैसे अभी गिरे भाई ड्राइवर और अपना पिंक भाई। कोई बात नहीं बैठ जाओ, मैं संभाल के चलाऊंगा, मेरी ड्राइविंग तो जानते ही हो तुम लोग। खैर आज भाई हम लोगों ने पता किया कि क्या उसको सॉरी बोल के बात बनेगी या फिर नहीं, और हमें पता चला कि बात नहीं बनेगी। फिर वेपन्स का जुगाड़ किया और अभी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, इट्स द बिगनिंग ऑफ वॉर। यस अब भाई हमें प्रैक्टिस करनी है फाइट के लिए, और फिर होगी फाइट उस रेड माफिया से जिस दिन मचाएंगे हम लोग तबाही। फिलहाल गाइस आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट पार्ट तुम्हें जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।